गाइस वक्त हो रहा है रात के 11:20। मैं हमारे विक्की भाई और आकाश भाई वो लोग अपना फ़ोन ढूंढ रहे हैं, जो कि हम शाम में आए थे तो फ़ोन गुम गया। तो हम जंगल में अकेले। जंगल दिखाओ ना। हाँ, जंगल कहाँ से देखेंगे, जंगल हर तरफ जंगल ही जंगल है पूरा। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, शेर वगैरह रहने के चांसेस है यहाँ पर। तो हम बगैर डरे रात को सरवाइव कर रहे हैं, 4-5 जने हैं हम लोग। ये घर से फोन आ रहा, मिला क्या? मिल गया, मिल गया, फोन भी मिल गया, मिल गया। मोबाइल ढूंढने हम आए हैं, मजा आ गया। और ये हमारा मुन्ना भाई, मिल गया मोबाइल वापस। ये जंगल में जाकर मोबाइल ढूंढ रहे घर से रंग में। तो फाइनली देखो भाई, मिशन इज सक्सेसफुल। ये आ रहे मोबाइल ढूंढ के हमारे विश्व भाई, आकाश भाई। मोबाइल मिल चुका है, मिल गया, मिल गया मोबाइल, मिल गया। देखो मोबाइल मिल चुका है। हाँ मोबाइल मिल गया, विश्व भाई मोबाइल लेके आ गए। और ये हमारे आकाश भाई टार्च पकड़ के आगे गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में जंगल एरिया है, पूरा जंगल है, पूरा जंगल, पूरा जंगल ही है। ये हमारे भाई का पैंट भी गिल्ला हो चुका है यहाँ पे। अरे हाँ भाई। और दूसरी चीज, ये पूरा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जंगली सुअर, चीता और शेर सब है। चलो चलते घर की तरफ। वैसे 1.5 से 2 घंटे हो गए यहाँ पे, अब आगे देखते क्या होता है। तो भाई टू व्हीलर पे हम तीन भाई, विशु भाई, मुन्ना भाई और मैं निकल चुके हैं वापस घर की तरफ, बैक टू पवेलियन। हाँ बिल्कुल, डर तो लग रहा है भाई, बहुत बहुत डर लग रहा है। एक साइड में तालाब है, जंगल इलाका है, एक साइड में तालाब है, एक साइड में खाई, बीच में से हम चल रहे हैं। ये पूरा खाई शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मालूम नहीं, बट बहुत डेंजर रोड से जा रहे हैं हम लोग। तो मजा आ रहा है भाई, एंड ऑफ द डे हैदराबाद से आने के बाद में एक यादगार टूर रहा, यादगार टूर है। हंगामा कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस चट्टान निकल रहे हैं चट्टानों के बीच में से। विक्की भाई का भगवान भला करे, फोन भूल के आए, हमें कंटेंट मिल गया बनाने के लिए। बस निकल रहे हैं ऐसे ही और आकाश गाड़ी भगाते जा रहे हैं, दिख रही है पता नहीं आपको। चल रही, ये थोड़ा डेंजर एरिया है तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाना रोकूंगा, क्योंकि कहीं से क्या भी जंगली जानवर अटैक करेगा तो हमारी भी सेफ्टी देखना होगा, ऐसा ना हो वीडियो बनाते बनाते हम भी कहीं वीडियो में आ जाए। आपको अब तक ये वो ब्लॉग पहुँच भी ना पाए? नहीं नहीं, ब्लॉग तो पहुँचेगा, लाइव है वो, ब्लॉग लाइव है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे फोन के लिए रोकूंगा, मेरे फोन की चार्जिंग भी बंद है, और ये वीडियो देखेगा मैं कल डालूंगा। चलो मिलते हैं कुछ देर में, बने रहो। ओके बाय। जंगल से बाहर आ चुके हैं, हाईवे चढ़ चुके हैं और अब घर भाग रहे हैं। घर भागने के बाद में ब्लॉग एडिट करेंगे और कल का जो ब्लॉग था वो अभी कुछ देर में आएगा, अभी आएगा, नहीं टाइम लगेगा उसको आने के लिए। और विशु भाई थैंक यू, डॉट दे रहे पीछे से। और आज का दिन तो एकदम बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया आज तो सच में। सोचे नहीं थे कि वापस हम जाएंगे कहके, लेकिन बट फिर से वापस गए मोबाइल के लिए, क्यों ना हो, बट मज़ा आ गया भाई जंगल राइड करके फिर एक बार। और सबसे बड़ी चीज़, टू व्हीलर पे हमने जंगल राइड की, तो इसके बारे में और कुछ बताऊंगा मैं तुम्हारा को आगे, अभी नहीं, अभी तो गाड़ी चला रहे हैं भाई, आवाज़ भी शायद क्लियर नहीं होगी। तो आराम से हम जब बात करेंगे रात में जब आपको बताऊँगा आखिर हुआ क्या था। तो बस बने रहे ऐसे ही, बस कुछ देर में मिलते हैं फिर। सब इतनी मस्ती की थी पानी में, तबीयत भी खराब हो गई, तो इसलिए दो व्लॉग इसलिए बनाना पड़ा सेम डे के, क्योंकि काफ़ी व्लॉग लंबा हो गया था, इतनी देर तक कोई देखेगा नहीं मुझे पता है। लेकिन अभी अभी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तो उसके लिए आपको बोर भी करना ठीक नहीं है, तो इसलिए मेन कंटेंट जो है अच्छे वाले स्टोरी टाइप में निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस उसी वजह से ये दूसरा व्लॉग है, मतलब उसी का सेकेंड पार्ट है जो कल डाला था। तो बस बाल वैसे गीले, पानी में बहुत मस्ती की थी इसलिए
तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी तो कल ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए व्लॉग। तो सेकंड थिंग हुआ एक्चुअली ये था, वो रात के 9:30-10 बजे के आसपास कॉल आया था आकाश को कि विक्की भैया का मोबाइल जो है वहीं पे हम वो जंगल में छोड़ के भूल के आ गए थे, वो एक्चुअली मतलब गिर गया था वहाँ पे। तो लोकेशन ट्रेस किया तो वहीं का लोकेशन बता रहा था, तो उसी कारण की वजह से इतनी रात के 10 बजे के आसपास हम लोग वापस से जंगल में गए, पलट के आए 11:30-12 तो वहीं बच गए थे। तो काफ़ी मज़ा आया। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि दूसरे ब्लॉग की तैयारी करनी है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सहस्त्रकुंड जो कि फॉरेस्ट एरिया है, फिर से वापस जंगल से गुजरेंगे। जितना हो सकता हो उतने क्लिप आपके लिए डालूंगा अच्छे वाले, ताकि आप भी एंटरटेन हो सके। मेन मकसद तो वही है कि आपको एंटरटेन करना है। और थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से वॉच आवर्स आ रहे हैं वीडियो पे, मतलब सच में नहीं सोचा था कि इतना जल्दी वॉच आवर्स ऐसे कंप्लीट हो गए। जल्दी जल्दी वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे प्रेम देते रहे, मैं और भी ट्रैवल करते रहूँगा। आप समझ में आ गया है आप लोग क्या देखना पसंद करते हो। तो मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी डेली व्लॉग के साथ ट्रैवल व्लॉग्स भी मैं डालूँ। और यहाँ से अभी हैदराबाद जाएंगे 2-3 दिन में। हैदराबाद जाने के बाद में फिर एक टूर करेंगे अगर हो सका तो। हिल स्टेशन है हैदराबाद के पास में एक छोटा सा, तो वहाँ भी जाके आएंगे। तो चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।